देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट बड़ी है। ये छत्तीसगढ़ की स्पेशल बड़ी है, बड़ियों में सबसे स्पेशल बड़ी है। इसको रखिया बड़ी कहते हैं। मैं इसकी बहुत ही आसान रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें। मैं कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे बड़ी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लाजवाब स्वाद चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रखिया की स्पेशल बड़ी। बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रखिया है, ये 6 किलो के करीब रखिया है। इसे हमने रखिया को अच्छे से धो लिया है। अब कपड़े से पोंछ लेते हैं। इसकी बड़ी को बड़े सवेरे बनाएं ताकि पूरे दिन इस बड़ी को बदली बिल्कुल ना पड़ने पाए। रखिया हमारा 6 किलो के करीब था। 6 किलो रखिया के लिए 1 किलो उड़द दाल लिए हैं, जिसे रात भर हम पानी में भिगा के रखे थे। हमारी दाल बिल्कुल डबल हो गई और देखिए दबाने से ये दब जा रही है और टूट भी जा रही है। कुछ कम पानी लेके अब हम इसे पीस लेंगे। यदि हम ज़्यादा पानी डालकर पीसेंगे तो पेस्ट पतला हो जाएगा। इसमें हम रखिया की करी मिलाएंगे जिससे ये ज़्यादा गीला हो जाएगा, बड़ी गोल शेप में नहीं बनेगी। रखिया को काट लेते हैं। अब रखिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उतना बड़ा टुकड़ा काटेंगे जिससे पकड़कर हम आसानी से घिस सकें। देखिए इसमें बहुत सारा बीज है, इस बीज को निकाल लेते हैं और इसे सुखा के हम रख देते हैं। इसकी बहुत अच्छी बिजौड़ी बनती है। आगे वीडियो में हम बिजौड़ी की रेसिपी ज़रूर डालें। देखिए हम सभी टुकड़ों से बीज अच्छे से निकाल लिए हैं। ये बीज पकी हुई है, इसके अंदर दाना पड़ा हुआ है। इसे सुखा के संभाल के रख लीजिए। अब हम रखिया को घिसेंगे। घिसने के लिए ऐसे घिसनी बाजारों में मिलती है, आपके पास जैसे भी घिसनी हो उससे घिसिए। अब एक टुकड़ा रखिया को हाथ में पकड़िए और घिसने से ऐसे इसको घिसिए। बहुत सावधानी से घिसिए, इससे हाथ छिला जाता है। मोटे तरफ से घिसिए, ये आसानी से घिस जाता है। देखिए ये इस प्रकार से घिस जाएगा। धीरे धीरे करके सभी रखिया को ऐसी घिस लीजिए। जब हम रखिया को घिसेंगे तो कुछ सॉफ्ट पार्ट्स बच जाएगा जो नहीं घिसाएगा। इसे हम चाकू से बारीक बारीक काट के इसी में मिला देंगे। अब एक टप लेंगे रखिया को छानने के लिए। टप के ऊपर एक सफ़ेद कॉटन का कपड़ा या कोई भी कलर का कॉटन का कपड़ा डाल के रखिया को उसके ऊपर रख के छानेंगे। कपड़े को चारों तरफ से पकड़ लेंगे और दबा दबा के खूब सारा इसका जितना पानी हो सके निकालेंगे। पोटली के ऊपर में कोई वजन चीज रख के दबा देंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। आधा एक घंटा दबे रहने दीजिए। देखिए बहुत सारा पानी निकल गया है। बड़ी में मिलाने के लिए कुछ लहसुन अदरक और हरी मिर्च लेके पीस लेंगे। देखिए हम भिगे हुए उड़द दाल को कम पानी में पीस लिए हैं। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होनी चाहिए। बड़ी के बैटर को मिलाने के लिए हम एक टब लेंगे जिसमें निचोड़े हुए रखिया को डाल देंगे। अब फैला लेंगे और देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल गया है। अब इतना पन नमी तो इसमें रहेगा ही। अब इसमें पीसे थे वो उड़द दाल को डाल दें। एक चम्मच के करीब जीरा भी मिलाएंगे। अदरक लहसुन और मिर्ची को जो पीसे थे उसे भी मिला देंगे।
बैटर को बहुत फेंटे, बहुत अच्छे से फेंटे, जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए। यदि फेंटने में कमी होगी तो बड़ी जल्दी नहीं गलेगी। बड़ी बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप जरूर बनाइए। ये बड़ी मार्केट में महंगे दामों में मिलती है, आप कम खर्च में साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। बैटर बहुत अधिक मात्रा में है, इसे दोनों हाथों की मदद से पकड़ के ऊंचाई से गिराइए। ऐसे करने से आप जल्दी से बैटर को फेंट सकेंगी। ऐसा आप बार बार करें, 5-10 मिनट तक करें। बैटर से छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम पानी में डालेंगे। यदि पानी में ऊपर आ गया, समझिए बैटर हमारा सेट हो चुका है। इसी तरह यदि हम फेंट कर बड़ी बनाएंगे तो बड़ी हमारी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आइए, बड़ी बनाने के लिए हम परात में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे चिकना कर ले। यदि आप बड़ी को कपड़े में बनाएंगे तो तेल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हाथ में थोड़ा पानी लगा के थोड़ा सा बैटर लीजिए और ऐसे गोल करके, गोल गोल बना के बड़ी परात में रख दीजिए। आप अपने मन मुताबिक छोटा या बड़ा बड़ी बना सकते हैं। देखिए, हमने बड़ी को बना लिया है, अब धूप में इसे सुखा दिए हैं। देखिए, हमारी बड़ी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।